हम सोचे थे खिलाएंगे इसको, ये लोग लेके गए सुला के और ले आए वहाँ पर जाके। गाइज यहाँ पर हमारी भजिए की पार्टी हो रही है, मम्मी लाते जा रही है और मुस्कान का वजन बढ़ता जा रहा है। तुम ऐसे ऐसे भजिए खाओगी तुम्हारा 55 से 57 हो जाएगा वजन। बिल्कुल नहीं खा रही हूँ मैं। एक कुपोषित लड़की है उसके पापा और ये उनके दो पोषित बच्चे। और मेरी तो भाई सिटी के अंदर आवाज पतली हो गई थी 1500 रुपए का सामान लेने के बाद। सो हे गाइज वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग गाइज ऐसे स्टार्ट हो रहा है, अभी फिलहाल मैं दुकान पे आया था, दुकान खोल ली थी भैया ने, मैं आके बैठा ही था और अभी आ चुके हैं अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा मुस्कान प्रिया दीदी और प्रिशु अपनी। प्रिशु गाइज आप जानते हो, अभी अगर पिछला मेरा ब्लॉग देखा होगा जिसके अंदर प्रिशु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपन लोगों ने और मैंने उसकी स्केच बना के दी थी प्रिशु की और पारुल दीदी की। तो अभी सब लोग घर पे आ चुके होंगे और मैं दुकान पे बैठा हूँ। मेरा मन तो बहुत हो रहा है जाने का लेकिन अभी दुकान पे कोई नहीं है। भैया को बुलाया है, भैया को बिठा लेंगे और अपन चले जाएंगे। भैया को तो पागल बना दिया, बोला ग्राहक आए दुकान पे जल्दी है करके बुला ले रहूँगा और अपन चल जाएंगे तो मस्त अपन मस्ती करेंगे वहाँ पर जाके। तो गाइस फाइनली भैया भी आ चुका है दुकान पर और अपन जा रहे हैं घर। भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला गाइस, प्रिशा आई है वो इतनी क्यूट है ना कि मैं क्या बताऊँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो लो भैया फाइनली अपन घर पे भी आ गए। कहाँ गए सब लोग हैं? अच्छा चले गए, नहीं दुकान पे तो नहीं है। तो गाइस हमारे सारे मित्रगण तो गायब हो चुके मम्मी कह रही मेरी वो मत डालना वीडियो में, बहुत कवाड़ गाई मैं होंगी तभी है ना अच्छा नहीं लगेगा व्लॉग में आने में, तो मम्मी मना कर रही है। गाइस प्रिशु तो गई है हमारी साजन की मम्मी के घर में, तू चला जा भैया। मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, मैं तो नहीं जा रहा, वो लोग यहीं पर आ जाएंगे तभी अपन बात करवाएंगे अच्छे से मिलाएंगे। मैं नहीं जा रहा। गाइस हमारी प्रिशु तो सो गई, हम सोचे थे खिलाएंगे इसको, ये लोग लेके गए सुला के और ले आए वहाँ पर जाके। सो रही थी यार, सही में गलत बात है ना, हम सोच रहे थे हम उसका ब्लॉग बनाएंगे, तुम लोग वहाँ लेके गए सुला के ले आए। ब्रो हम क्या करें, उसकी आंखें उसकी नहीं, हमारा कुछ नहीं इसमें। इतनी अच्छी जग रही थी वो हाली, अब सो गई वो हमारी। मुंह छुपाते हुए लोग, ये हरकतें तेरी सही नहीं मुस्कान, समझ में आ रही है मुझे। गाइस हमारी आ चुकी है मुस्कान प्रिया गर्ल, ओ प्रिया गर्ल बोल रहा हूँ, प्रिया गर्ल कोई बात नहीं, प्रिया गर्ल। हाँ हाँ ये तो जोक हो गया। गाइस आज हम जाएंगे हमारा स्केच का सामान लेने बड़ी मम्मी के साथ, अब वो कब जाएंगे वो हम बाद में बताएंगे आने वाले ब्लॉग में। नहीं ये फालतू चीजें नहीं खाते गाइस, हम डाइटिंग में, हमें पतला हुआ, हमें क्या बोलते पतले होना है। डांट पड़ी बोला निब्बू खाया, पर ऐसे कैसे निब्बू खा लिया, तबीयत देखी खुद की कितनी खराब है। हैं निब्बू खाओगी इतनी तेज चल, नहीं हमें नहीं खाना है तेल फेल की चीजें, तुम ही खाना, तुम्हें मोटा होना है। लो प्रिया दीदी आ खा लो खा लो खा लो चटो। गिर गया था गाइस, मुंह देखो गाइस मुंह देखो, नीचे से उठाया हुआ खा लिया इस लड़की ने। गाइज यहाँ पर हमारी भजिए की पार्टी हो रही है, मम्मी लाते जा रही है और मुस्कान का वजन बढ़ता जा रहा है, मुस्कान रोइंग में निकल नहीं पा रही है गाइज। अगर है ना वो ऐसी भजिए खाती रहेगी तो मुस्कान समझ में आई भजिए तुम्हें नहीं खाना है, समझ रही हो ना, तुम मोटा नहीं हो ना, तुमको तुम ऐसे ऐसे भजिए खाओगी तुम्हारा 55 से 57 हो जाएगा वजन। बिल्कुल नहीं खा रही हूँ मैं। तुमने नींबू खाया? नहीं खाया, नहीं खाया। मानू उनने नींबू खाया और इनकी तबीयत खराब थी पता है, नहीं उनकी भी तबीयत खराब, उनको भी नींबू नहीं देना अपन को, समझ रहे हो ना, नींबू खा रहा है। गाइस हमारे नाना को कम सुनाई देता, गाइस समझ रहे हो ना, नहीं सुनाई नहीं देता। ये इशारा करना है क्या चाहिए, उनको कुछ सुनाई नहीं है, उनको तेरी सुनना ही नहीं है, हाथ नहीं आ रहा। अब आप इशारे करो, हाथ ऐसे ऐसे करो। दलबीर सर क्या बोले थे, पापा पूछ रहा कल
भजी की प्लेट खत्म होती जा रही है। ये देखिए, हेलो गाइस, कुपोषित लड़की के पापा, ये कुपोषित लड़की है उसके पापा और ये उनके दो पोषित बच्चे। समझ में आ गई नाना? नाना की टंकी बढ़ चुकी है गाइस, नाना की टंकी। अभी बड़ी मम्मी और हम लोग जाएंगे 3 बजे अपना स्केच का सारा सामान लेने, पेंसिलें लेने। तो आज बहुत एक्सपेंसिव पेंसिल लेने जा रहे हैं हम, है ना? मुस्कान को जबरदस्ती भजिए खिलाए जा रहे हैं, इसका मोटापा बढ़ाया जा रहा है। ये रोई के लिए बहुत खा रही है। ओ ये सब इसी ने खाया है। चप्पर चप्पर चपाती चली जा रही है। चटनी खत्म होगी इसके पास की लगती है। चटनी लाओ मम्मी, चटनी नहीं चाहिए मम्मी, चटनी लाओ। हाँ मम्मी, चटनी दो, चटनी दो, चटनी दो, चटनी दो, चटनी। आज ही तो हो रही है हमारी मुस्कान की मेहमान नवाजी। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुस्कान, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं मैं अकेली खाऊंगा, बन नहीं पा रहे थे। तुझे नहीं मेरे साथ जीरो मन लेकर आई, भग गई बीच में। मैं तो इन दोनों के साथ भी थी पागल। अरे तो अब सब रिकॉर्ड कर ले भाई, डाल देते हैं नहीं खुले कैसे कुल्लूड़ों की तरह लड़ती है लड़की। नहीं सही सच में यही है वो। हाँ यही है वो कुपोषित लड़की, यही है लड़की कुपोषित। एक बार खाती है हाँ, दो जैसी रात। टीवी की मरीज है ना, टीवी की मरीज है गाइस हमारे। खास के बताओ बेबी, खास के बताओ। टीवी आ गई क्या तुमने? ट्रांसफर कर दी हमारे मुंह में। इसको भी हो रही है, भी हो रही बहुत तेज टाइम से हो रही है। मैं अभी की नहीं हो रही है, उसको 20 दिन होगा। हमें तो महीने भर से ऊपर हो गया। तू मम्मी के साथ चल रहा है। भाई मेरी कॉफी खत्म भी हो गई, पता है आपको? होकर खत्म कर चुकी मैं। नहीं यार तुम एनर्जी का लो यार, आइसक्रीम खाओ समझे तुम, और दवाई का डबल डोज। लो भैया अब ये सब लोग निकल रहेंगे। हाँ हाँ नाचने लगो, नाचने लगो। हाँ गाइज ये सब लोग अब निकल रहे हैं घर पे, और थोड़ी देर से मैं निकलूंगा तो बड़ी मम्मी को उठा के मैं जाऊंगा न्यू मार्केट, और वहां से मैं मेरे सारा पेंसिल वगैरह का सामान भी ले आऊंगा। और अभी पारुल दीदी ने मुझसे है ना विद्यासागर महाराज जी वाली स्केच खरीद ली बैठे बैठे, तो मैंने 100 रुपये उधार लिए एक्स्ट्रा। तो गाइज ये देखो मैं दिखाता हूँ कौन सी वाली खरीदी अपने। ये वाली है ना दीदी ने खरीद ली, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई वो जो वहाँ पर टंगी थी। ये वाली दीदी ने खरीदी है, ये वाली दीदी ने। प्रिशु हमारी गाइस अभी भी सो रही है। प्रिशु 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 चलो ठीक है, अब ये लोग निकल रहे हैं। गाइस हमारी पारुल दीदी का टीका और होना है, मम्मी गई है टीका का, वो टीका लाने बोल रहे हैं, टीका करने गई है बोल रहे, टीका लाने गए। हाँ हाँ तेरे को भी ले रहे, तेरे को भी लेंगे, सबको लेंगे गाइस, सबको लेंगे। हम इसको है ना वाइड एंगल में कर लें पहले तो। हाँ वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब इन लोगों का टीका और करवा दें पहले, और इनको विदाई दे दें फ्रेम। हाँ भाई ये लो, लो भाई ये पकड़ो, ये हाथ में पकड़ो अपने, तुम्हें गिफ्ट दिया है हमने। आचार श्री की बोली लग गई, ये सीधा रखो यार, उनका मुंह बहुत अजीब सा दिख रहा है। अबली अब की बार मैं अच्छी बना के दूंगा, ये वाली वापस दे देना मुझे। चलो भैया भाई टीका करो, टीका करो। प्रिशु प्रिशु तो सो गई है भाई, प्रिशु का टीका होना भाई। भाई पारुल को तो बेसन बेसन देके सब निकल फुल गाइस, हमारी प्रिशु नींद में फुल गुलाल गुलाल गाल पे भी रिंकी। होली 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 ऐसा ऐसा होली की तरह होली खेले रंग मिले रंग
मसीला की लगाई मिल गई लो भैया, हो गया टीका पारुल दीदी का। इस मिठाई भी और आई है, रुको रुको रुको, मिठाई मिठाई मिठाई। हाँ भैया मिठाई, देखो मिठाई जैसे ही मुंह में रखाई और लो प्रशु जगती हुई नजर आई। हो गया काम खत्म, चलो 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 चलो, बड़े पापा चिल्ला रहे हैं। चलो गाइस अब हम इन लोगों की विदाई करने जा रहे हैं, और फिर हमारी विदाई होगी जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। बड़ी मम्मी को लेके जाएंगे ना पेंसिल खरीदने। लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इनकी कार के पास, और जाके हम इन्हें छुट्टी करिए, छुट्टी बोल के विदाई करिए। हाँ विदाई। तो लोग गाइस हम इन लोगों की विदाई करने आ गए, यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। गाड़ी आगे बढ़ाओ भाई, प्लीज बाय बाय, प्लीज बाय बाय, प्लीज बाय बाय, प्लीज। चलो भैया बाय बाय, अभी आता हूँ मैं 2-3 बजे तक, है ना। बाय। चलो भैया ये लोग भी गए, अपन भी जाते हैं, अपन तैयार मैयार होके 3 बजे मिलेंगे अब सीधा डायरेक्ट। तो गाइस फाइनली अपन तो आ चुके हैं मार्केट में, और गाड़ी अभी अपन ने यहाँ पर खड़ी कर दी, बड़ी मम्मी को घर पे छोड़ दी, और मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ। सामने अपना न्यू मार्केट हैगा, और अपन जा रहे हैं ज्ञान भारती, और वहाँ से जाके अपन अपना स्केच का आइटम लेंगे सारा। तो अभी फिलहाल सीधा निकलते हैं और मैं सामान लेके आता हूँ पहले। तो गाइस फाइनली अपन ज्ञान भारती पे आ चुके हैं, और ये शॉप है ज्ञान भारती। तो अभी अपन अंदर जाते हैं और सारा सामान लेके आते हैं, और अभी अपन अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो मैं वो बाद में बताऊँगा। गाइस फाइनली अपन ने ले लिया है ज्ञान भारती से पूरा सामान, अब अपन घर निकलते हैं। पहले बड़ी मम्मी को उठाएंगे, घर जाएंगे, उसके बाद इसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे अपन, है ना, कि अपन ने कितने का लिया। वैसे तो 1500 का झटका लग चुका है, आगे का अपन बाद में बताएंगे। तो गाइस अपन तो आ चुके हैं घर, और मेरी तो भाई सिटी के अंदर आवाज़ पतली हो गई थी 1500 रुपये का सामान लेने के बाद, उससे तो बोलते ही नहीं बन रहा था। और अभी बड़ी मम्मी यहाँ पर बैठी अपना हिसाब लगा रही है, उनने साड़ी वाड़ी सेल करी है तो, और अपन बैठे हैं आराम से, बगल में ही अपने ज्ञान भारती का सामान रखा है पूरा। और अब अपनी तो भाई बस की नहीं है बात करने की फिलहाल, क्योंकि अपने 1500 का झटका लगा है अपन को, तो थोड़ा अपन को क्या उसको पचाने में टाइम लगेगा, क्या है ना बड़ी मम्मी। तो अब अपन सीधा है ना घर पे मिलते हैं, और बस बड़ी मम्मी हिसाब लगा ले, फिर हम सीधा निकल जाएंगे यहाँ से। तो गाइस अभी तो फिलहाल हम आ चुके हैं मुस्कान के पास, और ये हमारे कलर पेंसिलों की बैंड बजा रही है गाइस। इसने भी ये स्ट्रॉबेरी बनाया है, ये देखो मेरे ना नए वाले कलर पेंसिलों से, तो अच्छा बनाया है। इसके ऊपर की शेडिंग मैंने करी है, बस इसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया था, बस नहीं होता, बहुत डार्क करा मैंने उसको। आपको क्या पता इतना सर इतनी लाइट पेंसिल लाया है ये बंदा, मैंने उसको जैसे तैसे डार्क करा, थोड़ा सा ब्लैक कलर की लाइनिंग चला दी इसने ऊपर, शेडिंग करी, मेरे को भी आती है शेडिंग। 180 रुपए में इतने ही आते हैं, इससे ज्यादा अपनी वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, इतने में मिलेगा। अब मैं बहुत सारी नई नई चीजें लाया हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा हिंट दे दिया है, लेकिन इसकी मैं पूरी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने 1500 रुपए का झटका अपनी छाती पे झेला है, जो मैं आपको दूसरी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि हाँ ये इतने की आई, ये इतने की आई, इसके अंदर थे गाइस ज्ञान भारती। तो मैंने एक झोला एक्स्ट्रा लेके आया हूँ भाई, यार थोड़ा तो फायदा होना चाहिए ना, 1500 का सामान लिया, एक झोला तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मैं अपने सारी अब स्केच की जितना भी स्केच बनाऊंगा, स्केच आइटम्स नहीं बोलते, क्या बोलते ना, स्केच बनाऊंगा, जो भी मैं इसके अंदर रखूंगा संभाल के अच्छे से, पन्नी वन्नी में पैक करके, अभी मेरे पास कुछ जगह नहीं है तो हाँ जो भी है मैं बनाऊंगा, जो भी है तो वो इसके अंदर रखूंगा, ये गंदा हो गया यहाँ से, इसको साफ करना पड़ेगा। तो बस भैया अब अपन आ गए, तो अब अपन जाएंगे कहाँ पर, घर जाएंगे, सामान उठाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें, अब वो तो मैं नहीं बता रहा। और अभी आज का व्लॉग डालना था तो वो व्लॉग भी नहीं डाला, अभी जाके रात में डालूंगा एडिट करके। तो फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पर करता हूँ एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को, सो टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।